हे गाइस हैट्सअप कैसे हो आप सभी लोग आई होप ऑलो डूइंग वेल तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया सी ऑफलाइन हो चुका है और उसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन है कि सर ऑफलाइन पेपर कैसे आएगा उसमें भाषा का चुनाव कैसे करेंगे तो चलिए आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे देख लेते हैं पहले सी ऑनलाइन पेपर जो पहले सी ऑनलाइन होता था उसमें आप लोग क्या लैंग्वेज चूज करते थे लैंग्वेज फर्स्ट मान लो इंग्लिश चूज कर ली और फिर उसके बाद लैंग्वेज Second, आपने हिंदी चूज कर ली तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप करते थे और जब आप परीक्षा देने जाते थे तो यहां पे जो भी आपने चूज किया है वो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती थी यहां पे सी का पोर्शन ईवीएस का पोर्शन मैथ का पोर्शन इसके अलावा दोनों लैंग्वेज का पोर्शन यहां पे दिख जाते थे तो इसमें कोई समस्या नहीं होती थी लेकिन ऑफलाइन पेपर में क्या है बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं क्या गलती कर देते हैं लैंग्वेज के चुनाव करने में ठीक है अधिकतर बच्चे इसी वजह से केवल फेल हो जाते हैं कि लैंग्वेज का चुनाव वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि कहां से कहां तक करना है तो आज मैं आप लोगों को वही लैंग्वेज बताने वाला हूं यहां पे चलिए तो यहां पे सीटेट ऑफलाइन हो चुका है आप लोगों को पता है डेट भी आ चुकी है और सीटेट ऑफलाइन में ध्यान से देखें अगर आपने भाषा एक में हिंदी का चुनाव किया है ठीक है भाषा एक में हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी ठीक है दोनों भाषाएं होंगी तो यहां पे जो भी भाषा आपने चूज किया है हिंदी इंग्लिश या जो भी भाषा आपने चूज किया है तो यहां पे अगर हिंदी चूज किया है तो उसको भाषा एक में नाइंटी वन से वन ट्वेंटी क्वेश्चन तक आपको करने होंगे कहां से कहां तक नाइनटी वन से वन ट्वेंटी तक क्वेश्चन करने होंगे अभी मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा पूरा सीटेट का पेपर कैसे आता है और कहा से कैसे करना है पहले आप यह समझ लें भाषा दो में आपने इंग्लिश चुना हुआ है या संस्कृत चुना हुआ है तो आपको क्या करना है आपको 121 से करना है किससे करना है 121 से मान लो कि भाषा सेकंड में आपने इंग्लिश चुना हुआ है तो 121 से 150 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे या संस्कृत चुना हुआ है तो 121 से 150 तक रहेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको दिखाता हूं पेपर कैसा रहेगा पेपर बाइलिंगल रहेगा बायलिंगल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर ओ एम बेस्ड रहेगा ओ कैसे फिल करें एक वो भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा बोथ लैंग्वेज डिफरेंट ठीक है यहाँ पे जो लैंग्वेज चूज करनी होती है या आप लोगों ने चूज की होगी वो डिफरेंट होंगी मतलब ऐसा नहीं होता है कि दोनों भाषाएं इंग्लिश चूज कर लें या संस्कृत चूज कर लें या हिंदी चूज कर लें दोनों भाषाएं कैसी different होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है तो इतनी बात आप लोग समझ गए चलो मैं पेपर के थ्रू आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भाषा है वो चलिए जैसे कि ये आपका पेपर है सीटेट का ध्यान से देखिए अब सीटेट के पेपर में यहां पे इस तरीके का पेपर आएगा पहला पेज इस तरीके का रहता है ऑफलाइन वाला ठीक है यहां पे आप क्या भरोगे परीक्षार्थी के बड़े नाम भरोगे कैपिटल लेटर में रोल नंबर भरोगे वर्ड्स में भरोगे परीक्षा केंद्र भरोगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर यहां हो जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें होने के बाद पहला जो आपका पोर्शन मिलता है और पहले पोर्शन में आपको दिखाई देगा सी का पोर्शन ये देखिए लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ठीक है आपको पता है कि भैया जो पेपर होता है वो कितने का होता है वो आपका डेढ़ सौ का होता है और इसमें डेढ़ सौ क्वेश्चन होते हैं सभी के तीस तीस क्वेश्चन होते हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चन आपके होते हैं ठीक है पेपर वन की अगर बात करें सभी में थर्टी थर्टी क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे जो सी डी पी के क्वेश्चन है वो कितने मिलने वाले हैं तीस क्वेश्चन तो देखो यहाँ से आप शुरुआत करोगे और ये बायलिंगल दिया गया है ये इंग्लिश में पूरा दिया गया इधर और इधर हिंदी में ये इस वजह से काम आ जाता है मान लो कोई चीज आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही है या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे देख सकते हो उससे हेल्प मिल जाती है ठीक है तो यहां पे अगर हम लोग बात करें भाई तो क्या हो जाएगा यहां तक ये यह देख सकते हो ये थर्टी थर्टी लिखा हुआ है मतलब यहां तक आपकी सीडीपी खत्म हो गई खत्म हो गई फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते नेक्स्ट पार्ट आपका क्या मिला मैथ्स का मिला आपने मैथ्स लगा ली तीस क्वेश्चन मैथ्स के कहां तक चलेंगे साठ नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के तो भाई साठ नंबर तक क्वेश्चन किसके मिल गए मैथ्स के मिल गए ये देखो रफ वर्क के लिए नीचे स्पेस दिया रहता है आप आराम से रफ वर्क कर सकते हो इसमें कोई इशू नहीं है फिर इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब कि ईवीएस का पोर्शन मिला किसका ईवीएस का पोर्शन मिला पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर सेकंड में ईवीएस नहीं होता है पेपर फर्स्ट में होता है तो इसके तीस क्वेश्चन आपको मिलेंगे थर्टी क्वेश्चन इस तरीके से नाइन्टी नंबर तक आपका यह काम हो गया पूरा यहां तक यहां तक पूरा यह काम हो गया ईवीएस का ठीक है सी डी पी मैथ्स और ईवीएस अब लैंग्वेज की तरफ चलते हैं जो मेन हमको समस्या है जो हमको सीखना है तो भैया देखो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश चुनी हुई है अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चुनी हुई है तो क्या क्या करोगे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट फ्रॉम पार्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन से वन ट्वेंटी इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट ओनली अगर आपने भाषा एक में इंग्लिश चुनी हुई है तो आप क्या करोगे नाइन्टी वन से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक नाइन्टी वन से स्टार्ट करके आप वन ट्वेंटी तक यहाँ पे क्वेश्चन करोगे ठीक है भाषा एक में अगर आपने इंग्लिश चुनी हुई है तो नाइन्टी वन से वन ट्वेंटी तक यहाँ तक क्या करोगे इंग्लिश पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अगर भाषा एक में आपने हिंदी चुनी हुई है तो क्या करोगे ये वाला पोर्शन 91 से स्टार्ट कर दोगे कहां से भाषा एक में अगर हिंदी चुनी हुई है यह लिखा हुआ है उत्तर तभी दे जब भाषा एक में क्या चुना हो हिंदी चुना हो तो यह क्या हो जाएगा 91 से वन तो देख सकते हो मतलब कि इंग्लिश भी रहेगा 91 से 120 और हिंदी भी रहेगा 91 से 120 डिपेंड ये करता है कि आपने भाषा एक में क्या चुना हुआ है अगर इंग्लिश चुना हुआ है तो 91 से 120 करोगे अगर हिंदी चुना हुआ है तो 91 से 120 करोगे पहली लैंग्वेज में पहली भाषा में लैंग्वेज फर्स्ट में ठीक है तो यहां पे 120 तक ये हो गया ये खत्म अब भाषा सेकंड में आपने भाषा सेकंड में आपने मान लो भाषा फर्स्ट में हिंदी चुना था अब क्या चुना है भाषा सेकंड में इंग्लिश क्योंकि दोनों लैंग्वेज अलग अलग होंगी तो इंग्लिश चुना हुआ है तो यहां पर क्या करोगे अब कहां से क्वेश्चन करोगे तो वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी लैंग्वेज सेकंड में अगर क्या चुना हुआ है लैंग्वेज सेकंड में अगर क्या चुना हुआ है भाई इंग्लिश चुना हुआ है तो वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी तक क्वेश्चन आप करोगे यहां तक ये कंप्लीट वन फिफ्टी तक लेकिन अगर भाथा सेकंड में आपने हिंदी चुना हुआ है तो क्या करोगे वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी तक आप क्वेश्चन करोगे ठीक है कहने का सेंस ये है कि भाषा कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं तो ये आपका पेपर क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा रफ वर्क के लिए यहाँ पे जगह दी जाती है जैसे मैथ्स वगैरह का काम कर सकते हो कहने का सेंस ये है तो बच्चे क्या गलती करते हैं गलती ये करते हैं कि उन्होंने नाइन्टी से वन तक उन्होंने हिंदी भी कर लिया मान लो पहली लैंग्वेज हिंदी चुनी हुई है और जस्ट उसके बाद इंग्लिश दिया रहता है तो ये आपको पढ़ लेना है जस्ट उसके बाद इंग्लिश दिया रहता है ठीक है तो नाइन्टी वन नाइन्टी से वन ट्वेंटी में इंग्लिश भी दिया रहेगा मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चुना है हिंदी चुना हुआ है तो यहां पे ये वाली इंग्लिश आप नहीं करोगे लैंग्वेज फर्स्ट की इंग्लिश नहीं करोगे फिर फिर कहाँ से करोगे इंग्लिश आप करोगे वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वाली वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वाली मतलब कि लैंग्वेज सेकेंड वाली ये क्या करोगे ये आप इंग्लिश करोगे अगर हिंदी चुना है यहां पर तो यहां पर इंग्लिश आप करोगे यहां पे भी हिंदी और इंग्लिश होंगी 120 121 से 150 तक हिंदी भी होगी ठीक है हिंदी यहां कर चुके यहां नहीं करनी है क्लियर अच्छे से बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया अगर यहां पे आपने इंग्लिश कर लिया है तो इसकी हिंदी छोड़ देनी है नाइन्टी से वन ट्वेंटी यहां पर क्या करना है यहां पे हिंदी को ले लेना है हिंदी कर लेना है समझ गए अच्छे से बेहतरीन ढंग से कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको एक कन्फ्यूजन रह गई होगी तो इस तरीके से ऑफलाइन पेपर आपको करना है ध्यान रखना है नहीं तो फिर इसमें क्या होता है कि तीस नंबर चले जाते हैं भाषा के तीस नंबर गलत हो जाते हैं अगर दोनों एक ही लैंग्वेज के कर लिए तो हिंदी भी और इंग्लिश भी गलत हो जाएगा तीस नंबर चले जाएंगे आपको ध्यान रखना है नाइन्टी से वन ट्वेंटी जो भी लैंग्वेज फर्स्ट है और वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी जो भी लैंग्वेज सेकेंड आपने चूज़ की होगी वो आपका लिखा होगा पूरा एडमिट कार्ड वगैरह में ठीक है तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ आपके लिए मिलेंगे और सीटेट की बेहतरीन तैयारी करते हो आप लोग जो भी हेल्प हो रही है इस चैनल के माध्यम से वो होती रहेगी आपकी मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू